उत्तराखंड के पवित्र धार्मिक स्थलों में ऋषिकेश का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश स्थित भूतनाथ मंदिर की ही बात करें तो यह स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पड़ता है और यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। देवताओं में भगवान शिव के विवाह का प्रसंग आपने जरूर सुना होगा। भगवान शिव के विवाह से जुड़ी तमाम कीर्तंतियां और धार्मिक कथाओं का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। ऐसे ही एक कथा प्रचलित है उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित भूतनाथ मंदिर को लेकर। भूतनाथ मंदिर अपनी सुंदरता और विचित्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने विचित्र और आध्यात्मिक पौराणिक महत्व ने इस मंदिर को चर्चित किया है। 1952 में स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ने इसी स्थान पर भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भूतनाथ मंदिर 7 मंजिला है। भूतनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक कथा। जब भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती से विवाह करने बारात लेकर निकले थे तो कहा जाता है कि उनके ससुर राजा दक्ष ने इसी भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव को उनकी बारात के साथ ठहराया था। भगवान शिव ने अपनी बारात में शामिल सभी देवगण, भूत और तमाम जानवरों के साथ यहीं पर रात बिताई थी। इस अलौकिक मंदिर को लेकर एक और बात बेहद प्रचलित है और वह समस्त दर्शनार्थियों को बेहद आश्चर्य में डाल देती है। यहाँ स्थित भगवान शिवलिंग के चारों तरफ 10 घंटियाँ लगी हुई हैं और 10 घंटियों में से अलग अलग ध्वनि निकलती है। एक साथ बजने पर भी अलग ध्वनि निकलने वाले इन घंटियों को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तरफ फैली हरियाली लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भूतनाथ मंदिर 7 मंजिली इमारत है और इसकी पहली मंजिल पर आपको भगवान शंकर से जुड़ी कथाओं का वर्णन चित्रों के माध्यम से मिलेगा। वहीं मंदिर के हर एक मंजिल में नंदी, हनुमान और भगवान शिव से जुड़े देवी देवताओं को दर्शाया गया है। 7वीं मंजिल पर चित्रों के माध्यम से भगवान शिव की भूतों की बारात को भी दर्शाया गया है। बताते हैं कि जब राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो वह मूर्छित हो गए थे। उसी दौरान हनुमान जी इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे।